हरिद्वार जनपद के एसएसपी कार्यालय पर शनिवार को भीम आर्मी चीफ और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने हजारों समर्थकों के साथ पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। ये धरना प्रदर्शन शांतर शाह में दलित किशोरी के सामूहिक दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के मामले में आरोपी भाजपा नेता आदित्य राज सैनी को गिरफ्तार करने के लिए किया गया। वहीं प्रदर्शन में दूसरी मांग गौकशी के आरोपी मृतक सोहलपुर गाढ़ा निवासी वसीम उर्फ मोनू की गौ तस्करी के शक में पुलिस पर हत्या के आरोप में निष्पक्ष जांच कर मुकदमा दर्ज कराने की मांग को उठाया गया, जिसको लेकर सांसद चंद्रशेखर व विधायक उमेश कुमार सहित प्रदर्शनकारियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए उत्तराखंड सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा उत्तराखंड में अन्याय की चोटियां खड़ी कर रही है और अपना राजनीतिक एजेंडा सेट करने के लिए धार्मिक उन्माद फैलाकर हिंदू व मुस्लिमों को उकसा रही है। दोबारा कहना पड़ा, आज तक ऐसा हुआ नहीं भाई। आप बैठ जाओ, आप ले लो। देखिए, पिछले गत कई महीनों से लगातार ऐसी घटनाएं घट रही हैं, जिन घटनाओं को सोचकर भी रूह कांप उठती है। शांतर शाह में एक दलित बेटी, गरीब मजलूम के घर की बेटी को बलात्कार के बाद हत्या कर उसका शव लावारिस सड़क पर फेंक दिया गया। उसके बाद वसीम की हत्या, और पुलिस इसमें कोई भी कार्रवाई करने को इस तरीके की तैयार नहीं है जिससे कि पीड़ित को न्याय मिल सके। मैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी का सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इन दोनों प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए हरियाणा चुनाव के तत्काल बाद यहाँ इस आंदोलन में शामिल हुए, इस आंदोलन की रूपरेखा तय की, और इससे पहले सोलपुर में वसीम के घर गए। मैं साथ में आए सभी संगठनों का धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं महक सिंह भाई का धन्यवाद देना चाहता हूं, और आजाद समाज पार्टी के सारे पदाधिकारियों का और टीम उमेश कुमार का, किसान यूनियन का, सभी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने इस लड़ाई में, गरीब मजलूमों की लड़ाई, जिस लड़ाई को कोई भी लड़ने को तैयार नहीं था, खास तौर पे इस राज्य में आज विपक्ष में कांग्रेस पार्टी के 21 विधायक हैं जो मुख्यमंत्री के यहाँ गए और खाली हाथ वापस लौट कर आ गए। हरीश रावत जी समय समय पर वीडियो जारी कर मार्मिक अपील करते हैं। अभी चुनाव के दौरान उन्होंने अपने बेटे के लिए मार्मिक अपील करी, उनकी आंखों में आंसू थे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।